अर्थात यूनिवर्सिटी चेन्नई ने गुरुवार 28 मार्च को TNCT 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार तमिलनाडु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए उपस्थित हुए थे वे अधिकारी वेबसाइट TNC अनुवादु ईएनडु पर जाकर अपने MBI और MBX परीक्षा परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अधिकारी वेबसाइट के अनुसार TNCT स्कोर कार्ड 2024 अप्रैल को जारी किया जाएगा और उम्मीदवार 3 मई तक साइट से डाउनलोड कर सकेंगे। ये स्कोर वंचित कार्यक्रम विश्वविद्यालय में प्रवेश की संभावना निर्धारित कर रही है। NCI परीक्षा शनिवार 9 मार्च को पहली पाली में ऑफलाइन मोड से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई थी, जबकि MBI परीक्षा उसी दिन दूसरी पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 2 घंटे की अवधि यानी 100 मिनट की थी। लॉगिन करने के लिए उम्मीदवार को TNCT परिणाम देखने के लिए एक पंजीकृत ईमेल ID और जन्मतिथि का आवश्यकता होगा। TNCT 2024 परीक्षा के लिए 36,139 से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं, जबकि 39,301 आवेदन ने इसके लिए आवेदन किया था। अधिकारी आंकड़ों के अनुसार 565% उम्मीदवारों ने MBCI परीक्षा छोड़ दी है और 1968 उम्मीदवारों ने MBA परीक्षा छोड़ दी है। उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट TNCT परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं।